नारायण नारायण नारायण। क्या प्रश्न है? प्रश्न है आप सवेरे कर्ण निरपेक्ष की बात कही, तो ये बात निश्चित है कि भगवत प्राप्ति होगी वो कर्ण निरपेक्ष नहीं होगी, क्योंकि कर्ण नाशवान है, परमात्मा से अविनाशी की प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन ध्यान लगाना, प्रार्थना करना, मानसिक पूजा करना, गीता रामायण आदि पाठ करना, ये सत्संग करना सुनना और यज्ञ अनुष्ठान ये आदि भी करना, प्रभु को ये करते हुए भी ये कर्ण सापेक्ष है, तो इनको कैसे कर्ण निरपेक्ष बनाना जरूर करना चाहिए और अंत में कर्ण निरपेक्ष साधन होगा। ये करना होगा, करने के बाद होना होगा, होने के बाद है होगा। यही पूछा प्रश्न आया जी, तो करना होगा, ये करना होगा, करने के बाद में होना होगा, करने के बाद होना होना। जैसे जप करते हैं और जब अपने आप साफ होगा, जब है वो सहजा से मन के सहज सहज हमारे के सहज का सहज किया विश्राम हरिया जीव शिव का एक नाम एक ठाम, वो सहज है। सहज 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 तन मन कर सहज पूजा, सहज शादी अब नहीं और पूजा, वो सहज है। आप लाभ होता नाम जब करते हैं, करने के बाद में नाम जब होता है। ये नाम जब में चीजें दो, इसके बाद है वो परमात्मा का स्वरूप होगा। सत्संग करना है, सत्संग क्या चीज है इसको समझने की बहुत जरूरत है। अपने सत्संग नाम बड़ा कर रखा है, हम सत चर्चा करते हैं, सत्कर्म होते हैं, सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है, फिर सत्संग होता है। हम सत्चर्चा को भी सत्संग कहते हैं, क्यों? अगर सत्संग होगा, सत्संग में है, सत्संग में केवल लक्ष्य होता है, मानो परमात्मा तत्व है, उनके साथ जो प्रेम है, आकर्षण है, मन का खिंचाव है, स्वतः स्वाभाविक भगवान अच्छे लगते हैं। जैसे मनुष्य को अपना जीना अच्छा लगता है, मैं जीता रहूं, इसके चिंतन करना नहीं पड़ता, स्वतः स्वाभाविक जीना अच्छा लगता है, मरना अच्छा नहीं लगता। इस तरह से स्वाभाविक भगवान अच्छे लगते हैं, उसका नाम है सत्संग। सत्संग असली उसका नाम है, जो भगवान का नाम है, गुण है, लीला है, चिंतन है, ये प्रिय लगता है, प्रिय मिठास लगता है। इस वास्ते है तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी, तदर्पिता खिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलते थी। तो उसमें स्वतः सब तदर्पिता खिलाचारिता सब कर उसे अर्पण कर दिया, अपना कर्ता नहीं रहा, उसका कर दिया सब। और तद विस्मरणे उसकी क्षण बाद भी विस्मृति हो जाए तो व्याकुल हो जाए। मछली का दृष्टांत दिया है, वो विधि में नहीं है। मछली जैसे जल में रहती है, तो हम जैसे पृथ्वी पर रहते हैं ऐसी जल में रहती है, तो पृथ्वी पर रहने में कोई जोर आता है, कोई विशेष आनंद आता है, दुख होता है, सुख हो, कुछ नहीं, पृथ्वी पर रहते ही है। ऐसी जल में रहते वाली पृथ्वी जल में रहती है, तो कोई बात नहीं। जल से वियोग होते ही मछली तब रहने लग जाती है। इस तरह से भैया भगवान का वियोग हो, स्वतः वृत्ति भगवान से अलग हो जाते, छटपटाहट हो जाती, तद विस्मरण परम व्याकुलते थी, विस्मृति में व्याकुलता होता है। तो मछली की जैसा प्रेम हो, तो वो मछली का वृत्ति का प्रेम नहीं है, वियोग नहीं सहा जाता है, वो दृष्टांत से मछली का भगवान की विस्मृति वो सही नहीं जाती, असही होती है। वो है सत्संग, वो निर्पेक्ष है, वो ये सत्संग स्वयं का है, वो करते करते अपने आप हो जाएगा। हाँ, आप सुना रखे हैं, जो कुछ भी करे प्रभु के लिए करें, एक उद्देश्य पर ये रखे।
हाँ प्रभुण में मिलेगा, जैसे जप है ना तो सहजन सेवन होगा, सहज है सहज आकाश है तो सहज स्वाभाविक जप हो रहा है, उसका नींद में भी नहीं छूटता। अर्जुन की बात आती है ना, अर्जुन सोया है नींद में, कृष्ण 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 हो रहा है, उनकी रोमों से कृष्ण कृष्ण ध्वनि निकल रही है, वो बेहोशी में नींद में है एकदम, तो नाम हो रहा है, तो वो होना है, वो होता है ऐसा। जो भजन करते हैं जप करते हैं, जप में लगन लग जाती है, वो नींद में भी छूटती नहीं, नींद नींद में होता रहता है भगवान ऐसा। तो होगा उसमें करने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत नहीं तो करने निरपेक्ष है, करने में करने की आवश्यकता होती है, होता है सोचे उसमें कोई जरूरत नहीं। आप श्वास लेते हो इसमें किसी की उद्योग की जरूरत है क्या? आप खोलते हो मेजते हो इसमें आपके किसी उद्योग की जरूरत है क्या? जैसे भोजन आप करते हो पर भोजन पचता है उसमें कुछ आपके उद्योग की जरूरत है क्या? भोजन का जो रस बनता है फिर रक्त बनता है उसका नारियों में सब जगह फैलाव फैलता है, खून दौड़ता है, अशुद्ध खून आता है फेफड़े में वहाँ शुद्ध होकर के सब सही में फैलता है, उसमें कुछ करना पड़ता नहीं आपको, वो होता है। और भोजन करने में करना होता है, करने के बाद वो आप से आप होता है स्वाभाविक, उसमें कर्तृत्व नहीं है, तो कर्तृत्व नहीं तो उसमें कर्ण भी नहीं है, कोई कारक नहीं है उसमें, स्वतः ही होता है स्वभाव। ऐसे स्वभाव भजन हमारे, वो भगवान का भजन करना है वो स्वभाव भजन हमारे, भगवान के भजन वो स्वाभाविक है, वो है सत्संग, सत्संग ना उसका है, सत के साथ संग में उद्योग नहीं करना पड़ता। जैसे आप विवाह कर लेते हो तो विवाह करने के बाद में मैं विवाहित हूँ इसके लिए उद्योग करना पड़ेगा क्या? क्या परिश्रम करना पड़ेगा क्या? उस लड़की को भी विवाह होने के बाद में विवाह होने में कोई उद्योग करना पड़ेगा? वो तो स्वप्न में विवाह तो विवाहित हो गई, जागृत नहीं विवाहित हूँ, नींद नहीं विवाहित हूँ, ऐसे रहता है। वो क्या है कि जो स्वयं है ना, स्वयं मैं हूँ, वो स्वयं बदल जाता है, वो फिर मिटता नहीं। और जब तक इंद्रिया से अंतःकरण से शरीर से चेष्टा करता है तब तक निरंतर नहीं होता, करना होता है, जितना पाठ पूजन जब सब करना होता है। असली सत्संग असली विचार होता है वो होता है सत्य। जैसे आप समझ मैं बेची हूँ तो इसमें उद्योग करना पड़ता है क्या? आपको नींद लेनी होती है तो नींद के लिए कोई परिश्रम करना पड़ता है, कोई उद्योग करना पड़ता है नींद लेने में? वो आप साफ आती है, इसमें साफ साफ होता है। वही ये जितना प्रकृति से होने वाला जैसे रस बनता है, जैसे नींद लेते हैं, ये प्राकृत है प्रकृति का, और परमात्मा के साथ संबंध है वो अप्राकृत है, स्वतः सिद्ध है। ये करने के जाल में फंसने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा है, अनुभव होने पर करना नहीं रहता, पहले होना होता है, होने के बाद में है हो जाता है, बस उसमें स्थिति हो जाती है। पक्षियों को देखा है ना, पक्षी उड़ता है यूं यूं करता है, यूं ऐसे ऐसे कर जाता है, ऊंचा चढ़ जाता है, फिर ऐसे हो गया, ऐसे हो जाता है, ऐसे फिर बस इस वजह से उसको यूं करना नहीं पड़ता है, सत्य स्वाभाविक। नारायण 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 प्रपन्न पारिजाताय तोषकेत्री गोपालाय ज्ञान मुदुराय कृष्णाय वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।
वंशी विभूष परान्नवनीतदा पीतांबरारुणबिंदफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाधरविंद कृष्णात्परं किमपि सप्तमो करना आ जाता है ना ठीक तरह से तो करना होने में बदलना ही चाहिए और होने में नहीं बदलता है तो करना पूरा नहीं हुआ भी। जब करते करते जब होने लगता है भगवान की स्मृति करते याद करते हुए फिर स्मृति होने लगती है, होने लगती है उसका नाम स्मरण है। याद करते हैं वो चिंतन है, याद करना होता है और वो याद आती है तब करना नहीं रहता है, फिर याद आती है फिर तो भगवान की बोली नहीं होती। एक सज्जन कोई कह रहे कि भगवान को याद करो तो एक संत ने कहा कि मूर्ख है, याद क्या करे भगवान, भूली हुए तब याद करे, भूली हुए तब याद करने की बात आती है, याद क्या करे, उसकी भूली होती ही नहीं। जैसे आप कुछ भी काम करो तो आपको अपनी याद आती है रहती है कि नहीं, अपने आप का अभाव हो जाता है क्या, और अपनी याद है ये होता है क्या, ना तो ये होता है कि मैं हूँ, ना ये होता है कि मैं तो भूल गया भी हूँ को नहीं मैं, ना समझिए पड़ता है ना मैं नहीं हूँ, विपरीत होता है, विपरीत नहीं होता संदेह नहीं होता, और परीक्षा भी नहीं होती कि मैं हूँ कि नहीं हूँ, इसकी परीक्षा करो भाई, थर्मामीटर लगाओ देखो हो कि नहीं तुम, ये भी नहीं होता, तो होता क्या स्वतः मैं हूँ स्वाभाविक रहता है। तो ये कर्म निरपेक्ष है, ये स्वाभाविक जैसे कर्म निरपेक्ष है वैसे जीवन जाने जीव की जगपति जाने कौन, तो वो जीव अपने को जान लेता है तो स्वतः स्वाभाविक भगवान के साथ में जो ममई वंश हो जीव लोग ईश्वर अंश जीव जो विनाशी उसकी याद स्वतः होती है, स्वाभाविक स्वाभाविक होती है, क्योंकि उसका है वो। जैसे आप अग्नि सुलगाओ कहीं भी सुलगाओ उसकी लाइट ऊपर को जाएगी, ऐसे पत्थर आदि फेंको नीचे आप साथ जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का अंश है, पृथ्वी खींचा होगा पृथ्वी तो जाएगा, आग है उसका खींचा उस सूर्य से है तो सूर्य की तरफ चले जाएगी, स्वाभाविक लौ जाएगी, दीपक करो दीपक की लौ ऊपर को जाती है। आप लोग जाने हमारे बचपन की बात है, हम पढ़ते थे ना तो छोरा होते चंचल होते तो दीपक था वहां पर बिजली थी नहीं, तेल का दीवा वो करके हम तीन चार विद्यार्थी पढ़ते साथ में, इतना तेल कहाँ से लाए, जो अलग अलग दीवा हुई, संस्कृत के विद्यार्थियों को बहुत तकलीफ भोगना पड़ता है, तो इसमें पढ़ते थे तो कभी कभी उस छोरापन आ जाता तो उसको कुल उतार से ठीक करते ना तो वो लकड़ी जग जाती, लकड़ी जग जाती तो दीप की लो है उसके नीचे ही लकड़ी करते हो यूँ वह लो तो वह लो होती ऊपर की लो कम हो जाती। आप लोगों ने देखा नहीं, हमारे देखा हुआ है, हमारे चंचल सा की हुई है तो वो कम हो जाती, यहाँ जगाई उस लो के नीचे ही जल जाएगी लो कम हो जाएगी, क्यों के नजीक खिंचाओ मिल गया ना वो उधर लो की तरफ खींच जाती है तो लो छोटी हो जाती है, तो ज्यादा होता वो खींचता, समझ गए ना, ममती तो जग रहा है और लकड़ी जग गई, जग गई लकड़ी उसको नीचे रखा दीपक, दीपक लो के नीचे तो लो छोटी हो जाती लोटी, वो ऊपर इतनी जल नहीं जाती, फिर नीचे की तरफ जाने लगती, नीचे अग्नि मिल गई ना तो उधर खींचेगी, उधर खींचेगी तो छोटी हो जाएगी,
बीमार देखी हुई तुम कर लगे देख लेना कौन खंडा हो तो हम भी चंचलता से छोड़ा पड़ा कहीं समझ से कहीं किया होगा बालक भर में ऐसा कर देखते क्या होता है ऐसे क्या होता है। तो ये अधिक होता है वो खेचता है ऊपर भी लग जाती है ऊपर सूर्य ऊपर रहता है सूर्य किधर ही जाए बोले ऊपर रहता है पृथ्वी किधर ही जाए पर नीचे रहती है अमेरिका में नीचे है अमेरिका भी नीचे है इंग्लैंड में भी नीचे है नीचे आते भी तो घूमते हैं नहीं तो लटकेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे तो गिर कैसे पृथ्वी पर आकर्षण है पृथ्वी के ऊपर ही मानते हैं चींटियां चलती है और छत पर चलती है तो उसमें ऐसा तो नहीं मैं उल्टी चलती हूँ वो तो उल्टी चलती है अपनी ऊपर चलती है छत के ऊपर चलती है छत के नीचे आपको दिखता है जो नहीं तो गिर पड़ेगा नीचे तो पृथ्वी का आकर्षण रहता है पार्थिव शरीर इस तरह से ये संसार का झंझट छूटने पर इसका खुद का आकर्षण भगवान की तरफ स्वतः होता है वो स्वतः होता है उसके नाम सहज स्मरण है वो करना नहीं पड़ता है। जब तक पदार्थों में आकर्षण है तब तक ये जप ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि पृथ्वी पर है ऐसे आकाश में ऊपर जाने पर फिर नीचे नहीं आ सकता फिर ऊपर ही भोगता हुआ है। हमने सुना है कि ऊंचे ऊंचे स्टेशन बन गए हैं जहाँ हवाई जहाज वहां से तेल ले सकता है ऐसे स्टेशन बन गए ऊपर ही वो नीचे नहीं आता आप ही अधे में पृथ्वी का आकर्षण छूटता है तब वो होता फिर नीचे नहीं आता। ऐसे भगवान की तरफ चलता है संसार छूट जाने पर फिर भजन करना नहीं पड़ता है फिर भजन में सदा तल्लीन रहता है स्वाभाविक स्वाभाविक वो तल्लीन रहने के बाद में फिर है हो जाता है जो परमात्मा है वही हो जाता है बस है फिर होना नहीं होता। करने में प्रकृति की प्रधानता है होने में प्रभु की समान होती है और है में केवल परमात्मा रहते ऐसे करना होना है के बाद करना नहीं होता होना ही नहीं होता फिर है ही है रहता उसमें क्रिया है ही नहीं उसमें होने में भी क्रिया नहीं है करना करना है वो होने में रह जाता है स्वाभाविक। जो अजपा गायत्री है सोहंग जप है वो आप से आप होते हैं आप से आप है जैसे श्वास चलते हैं ना तो श्वास के साथ ही नाम जप होता है जैसे श्वास लेने में परिश्रम नहीं होता ऐसे ही परिश्रम नहीं होता है स्वतः श्वास के साथ मिल जाता है उसका जप होने लगता है। ऐसे सज्जन मेरे देखे हुए हैं बुखार आ जाए तो श्वास तेज चलता है तो जप बड़ा तेज से होता है आप से आप जप होता है तेज से करना नहीं पड़ता स्वाभाविक तो वो करना नहीं पड़ता वो होना है होने में लग गया स्वाभाविक स्वभाव भजन हमारे जैसे देखो सत्संग करते हैं ये सत्संग अपने सत्संग कहते हो बताओ वो सत्संग नहीं कहता हूँ मैं अपने से कठोर सत्संग करते हैं ये करते करते फिर सत्संग का समय होने पर आप वहां ठहर नहीं सकते कि सत्संग हो रहा है आप जो ठहर जाए अपना हाथ की बात नहीं है खिस जाओगे यहाँ आकर बैठने संतोष होगा वहां बैठे संतोष आप कर नहीं सकते आप संतुष्ट रह नहीं सकते पता लग जाएगा वो सत्संग हो रहा है जिसमें आप रुचि हो गई फिर वो ठहर नहीं सकता बंदर मार लो ठहर नहीं सकता फिर तो चित खिसेगा स्वतः स्वाभाविक। ये तो आपके अनुभव हुआ होगा हमारे बीते भाई सत्संग सुन लिया वहां होता है वो फिर कैसे रहा जाए रहा नहीं जाए अपने हाथ की बात नहीं है। रघुराम में दोनों महंत सही साथ होगा सुनता फिर वहां सत्संग और सत्संग होगा फिर मैं तो वहां से आ ही गया बहुत कहा साधु और भाई हमारे सत्य लगते वो भाई कर सत्संग होने लगता है तो फिर उसके बिना रहा नहीं जाता खींच जाता मन स्वाभाविक खींच जाता है कोई राजी है नाराज है कुछ भी है बाधा कोई बाधा नहीं।
ऐसे ही भजन करने की खुशी होकर जागृत होकर खुशी हो जाएगी तो फिर भजन करना भी पड़ेगा, आप साप होगा, उस भजन से बना रहा नहीं जा सकता। जैसे वीर भाई गए हरी मारी हरी बिन रहो रे न जाए, लग गया प्रेम बिहारी सो वने देखा बिना रहो रे न जाए, उनके देखे बिना रहा नहीं जाता, छटपटाहट लग जाती, तो वो होगा होने लग गया। और बाद में जो है उसमें जो स्थिति वो वर्णन नहीं होता उसका, वो हो जाता है ऐसे ही, फिर उसमें विस्मृति का कोई अवकाश ही नहीं होता, ही नहीं हो गया। जैसे बूंद है वो पानी समुद्र में रह गया, अब उस बूंद को कोई अलग करना चाहे तो असंभव नहीं है, ऐसे हो जाता है। तो ये वर्णन नहीं होता इसका, इसका तो करके देखो होता है स्वाभाविक, करना थोड़ा ही है स्वाभाविक होता है। नारायण नारायण नारायण, और बोलो, और कोई बोलो, इसमें प्रश्न करो कोई। भागवत सप्ताह बचाने से मुक्ति हो जाती है क्या? मुक्ति तो हो जाए केवल भगवान की याद करने मात्र से, पर मुक्ति की सा नहीं है, नहीं है बस। मुक्ति कैसे जबरदस्ती आएगी, कूद कर मुक्ति क्यों पड़ेगी बीच में? भागवत बचाते हैं मुक्ति के लिए, कितना बचाते हैं, बड़े के लिए बचाते हैं, अपने नाम के लिए बचाते हैं, बड़े हो जाए इस पास बचाते हैं, नाम हो जाए बचाते हैं, तो उस मुक्ति कैसे हो जाएगी? मुक्ति क्रिया में नहीं है, पदार्थ में नहीं है, हमें शक्ति नहीं है। मुक्ति तो छूटने का नाम है, तो संसार से छोड़ना चाहता है तब न संसार छूटता है, छोड़ना चाहता ही फिर कैसे छूटेगा? मुक्ति सरल है तो इतनी सरल, उतना सरल कोई काम है ही नहीं, और कठिन है तो इतना कठिन है कि उसके समान कठिन कोई है ही नहीं। संसार में राग रहते मुक्ति कैसे हो जाएगी? पदार्थ प्रिय लगते हैं, व्यक्तियां प्रिय लगती है, मान सम्मान अच्छा लगता है, तो मुक्ति कैसे हो जाएगी? अभी तो छूटता नहीं, रुपये होगा ही मोह, रुपया सबसे रद्दी चीज है, सबसे रद्दी चीज है तो रुपया है खुद, ऐसी रद्दी चीज नहीं, कूड़ा कर फिर काम की चीज है, रेता काम की चीज है, कंकर पत्थर काम की चीज है, रुपया कोई काम का नहीं। रुपया से वस्तु ले लो वो काम आती है, रुपया से वस्तु का कायदा विशेष है, जीवन में हेतु है। रुपया ले दो सोना चांदी के चबूतरा कर खड़ा कर दो, अन्न मत दो, जल मत दो, कपड़ा मत दो, कितना जिएगा? अरे अन्न जल देते रहो, रुपया दिखाओ मत कभी, एक तांबे का पैसा भी दिखाओ मत, जी जाए खूब मौत से। तो जिससे जीवन मिलता है वो वस्तु काम की, जीवन जिससे मिलता ही नहीं और परंपरा से लेते हैं तो वो तो दूर पड़ता है, रुपया मनुष्य के बहुत दूर पड़ता है, और रुपया सबसे बढ़िया हो गया तो बुद्धि भ्रष्ट होगी उसकी, उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, वो तत्व को नहीं समझ सकता। रुपया नहीं आ सकते, जिसकी रुपया जैसी चीज कोई नीचे है ही नहीं, तत्ती पेशाब भी नीचे नहीं है, तत्ती सूर के काम आती, रुपया किसी का काम नहीं आता, ना खाने में काम आता, ना बिछाने में काम आता, ना ओढ़ने में आता, ना सवारी में आता, क्या काम आता है बताओ? हाँ तो रुपये वस्तु मिलती है तो रुपया कीमती हुई वस्तु क्या हुई बताओ? रुपया दे करके वस्तु लेते हो तो वस्तु की गरज ज्यादा हुई ना आप गए, हम विचार नहीं करते, हम दस दस पता ही नहीं है क्या बंधु कीमती है क्या नहीं जानते, नहीं तो रुपया जैसी बढ़िया चीज वस्तु के लिए खर्च क्यों करो? रुपया है ही आपके पास, अब जरूरत क्या अन्न की, क्या जरूरत की जरूरत है, क्या कपड़े की जरूरत है, क्या मकान की जरूरत है बताओ? रुपया है ही, रुपया सबसे बढ़िया है ही, अपने जगह अपनी चीज बढ़िया होती है, जूती की जगह जूती बढ़िया होती है, उसके बिना पैर कांटे लग जाए, कंसार लग जाए, कंकर आ जाए, कांस लड़ जाए,
इस बार जो जूती की जगह जूती बहुत बढ़िया, और ये थोड़ी हम मशीन को उठा रहे हैं जूती को, जूती सिर में आ जाए ये कोई काम की नहीं। ऐसे जूतियों की जगह मुझे बहुत काम की चीज, रुपया ऐसा हो जाए झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात डाका डालना ये सब कर देते हैं रुपये के भरोसे, ये बहुत बड़ा भारी अनर्थ है। वृंदावन में जमुना किनारे का आदमी मरा पड़ा था, उसके छाती पर एक पुर्जा लिखा हुआ कि इसको मैंने मार दिया, छाने के पैसे मिले। मंत्री अत्यारे मनुष्य कितना को है, मनुष्य कितना कीमती है, मनुष्य शरीर है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए उसको लोभ में आकर खत्म कर देता है, तो ये बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो रुपया में मन ज्यादा लगा तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई, विचार शक्ति विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, मनपना नहीं रहता उसमें, पशुपना भी नहीं रहता, पशु भी इतना रुपयों में गलती कम नहीं करता, रुपयों में थे रख दो कुत्ता पेशाब करने चला जाएगा, उसको उबरता हूँ मौत देगा, क्या कीमत है उसमें लोग फंस गए, मनुष्य होकर के रुपयों के लोग अपने धर्म कम छोड़ दिया, तो उससे नीचे बुद्धि हो गई ना कुत्ते से, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लोग लग जाता है, छोड़ सकता नहीं, बात कितनी कहो करे कितनी सुन लो है वहां का वहीं, वो कोई संकल्प बोलो क्या कहे, अकाल मृत्यु किसी की हो तो भागवत बचा ले तो उस प्राणी की मुक्ति हो जाती है। हाँ वो प्राणी दुख पा रहा है ना, धंधुकारी जैसे दुखी था, ये बांस बैठा रहा सुना, इस तरह से उसकी इच्छा होता हो जाता है, उसकी मुक्ति की इच्छा हो जाती, आप करो उसकी इच्छा है ही नहीं, कैसे हो जाएगा, उस प्राणी की इच्छा हो और उस प्राणी के लिए आप भागवत पाठ करो जरूर, या संदेह हो रही है। यहाँ की बात है, अभी 5-7 दिन हुआ कितना कृति याद नहीं है, अभी की बात है, तो वह एक मृतात्मा के लिए घर वाला ने कहा भाई ये पहले भागवत कर दे इसके बाद गया शादी कराएंगे, भागवत करने के बाद वो प्रेतात्मा बोला कि अब मेरे लिए कुछ भी करना जरूरत नहीं, मैं गया जाना है कोठी को नहीं हो गया, मेरा मेरा काम हो गया, हाँ उसी का मेरी मुक्ति हो गई, अब मेरे लिए कुछ करना जरूरत नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं करना है, इच्छा है नहीं, मालूम कैसे पड़े अपन तो उसके नाम से कर आई ना, कोई मत हो उसको नहीं होता हमारा होगा, शुभ काम निष्फल नहीं जाता, अपने तो करना ही चाहिए, अब वो ग्रह करे ना करे चाहे ना चाहे हम क्या करें, अपने तो कर देना चाहिए, स्वयं की इच्छा के बिना नहीं होता, स्वयं इच्छा करे तो मुक्ति में कोई बाधा दे नहीं सकता, किसी देवता की किसी राक्षस की किसी असुर की किसी मनुष्य की किसी बलवान की ताकत नहीं है जो भगवान से हमारे वाले कर सके, कर ही नहीं सकते, हम ही विमुख होते हैं, ये पदार्थों में भोगों में रुपयों में मान बढ़ाई में वाह वाह में लग जाते तो हम ही फंस जाते हैं, ये हमारे दूर नहीं कर सकते, इनमें ताकत नहीं दूर करने की, हमारे भगवान से एक जाति की दूर करने वाला है कौन, कहा जाती है मियां बीवी राजी तो क्या करेगा पाजी, क्या करेगा भगवान भगतों में राजी तो कौन क्या करेगा कैसे करेगा, ताकत नहीं किसी को करने से, आप ही स्वयं भगवान में नहीं लगे तो उसका कौन उपाय करेगा, जिसमें लगा नहीं सके, लगाने की नियत रख सकते हैं, लगाने की चेष्टा कर सकते हैं, परंतु भगवान कोई लगा दे ऐसी बात नहीं है, सत्संग करने से उसकी रुचि बदल जाती है, मन बदल जाता है तो भगवान में लग जाता है, मैं लगा दू आप कोई ऐसी बात नहीं, ये बात है।
स्वयं एव आत्मन आत्मना मैथत्व पुरुषोत्तम स्वयं प्रदात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनिवासमना दुष्ट सतत्प्रिय यस्तु आत्म सदैव से आत्म सततस्म आत्मनिव संतुष्ट तस्य कार्यं विद्यते उस परमात्मा में जिसका मन लगा है उसमें से इसकी स्थिति है, उसमें जिसका आकर्षण है उसे दुर्गति हो नहीं सकती, परमात्मा की प्राप्ति होगी। स्वतः सहज है, उसका स्वाभाविक है, संसार में आकर्षण किया हुआ है, कृत्रिम है, बनावटी है, भगवान के साथ स्वाभाविक है, स्वतः है। इधर से किया है उसको हटाना है, ये जप करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पाठ करो, पूजन करो, तीर्थ करो, व्रत करो, होम करो, जो कुछ करो वो करने की एक मन की निकाल रही है। आयुर्म कर्म कारण मुझे थे आयुर् होना चाहता उसका करना है, जो कारण है करने से करने का राग मिटाना है, पदार्थों का करने का जो वेग है भीतर वो दूसरों के हित के लिए करने से वो वेग निकल जाता है, नहीं तो करने से वेग बढ़ता ही रहता है, अंत नहीं आता। स्वार्थ बुद्धि रहती है, अहंकार रहता है, तो हजारों लाखों जन हो जाते करने का राग नहीं मिला। जब अपना कोई स्वार्थ नहीं, केवल दूसरों के हित के लिए करता था कि स्थूल शरीर की क्रिया सूक्ष्म की और कारण की क्रिया समाधि तक दूसरों के लिए किया जाए सब, तो राग मिट जाता, करने का राग मिट जाता है, करने का पदार्थों का राग मिटा है, मुक्ति हो जाती है। मुक्ति सतह सतह मुक्ति होती नहीं है, अनुभव हो जाता है, जड़ता का संबंध विच्छेद होते ही मुक्ति हो जाती है। मैंने पुस्तकों में पढ़ा है एक बहुत विचित्र बात है, आप ध्यान दो तो समझ में आवे, अपने जाने हुए असत का त्याग। आप जानते हैं कि असत है, नाशवान है, उसका त्याग कर दो मन से मुक्ति हो जाएगी। अपने जाने हुए असत का त्याग, बोलो अपने जाने हुए असत का भी त्याग नहीं करूंगा, और क्या करोगे आप? जाना हुआ असत सही नहीं रहेगा, पदार्थ नहीं रहेंगे, मान बढ़ाई नहीं रहेगी, उसे त्याग कर दो मन से मुक्ति हो जाएगी। इसी से भी अपने जाने हुए असत का त्याग, अब वो नहीं करो तो क्या करोगे? ऐसे बढ़कर सुगम और क्या होता है? आप जिसको असत जानते हैं, नाशवान जानते हैं, उनके राग का त्याग करो तो जाएगा। बोलो कोई शंका तो बोलो, अपने जाने हुए अस्त का त्याग। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम सत्य स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 1 जून 1990 को प्रातः करीब 8:30 बजे हुआ। राम।